हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौम्या, आपकी दोस्त, और आज लेकर आई हूँ DIY उनके लिए जिनको सर्दियों में जो है फेस पैक और स्क्रब करने में थोड़ा सा आलस आता है। तो मैंने क्या किया है कि दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर दिया है। तो चलते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना फेस जो है क्लिंज करने से। क्लिंज करने के लिए वही पुराना टेक्निक, थोड़ा सा दूध और उसमें मिलाना है थोड़ा सा हल्दी और कॉटन बर्ड को ऐसे उसमें करना है डिप, और आपको धीरे धीरे अपने पूरे फेस पे इसे रब करते जाना है। अब अगला स्टेप है फेस वॉश का। फेस वॉश हम या तो गुनगुने पानी से कर सकते हैं या तो नॉर्मल पानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे फेस पैक पे। फेस पैक बनाने के लिए हमें चलना होगा अपनी किचानी मिट्टी, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, फिर हमें चाहिए थोड़ा सा रोज पेटल पाउडर, उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा लेमन, और अब इसमें हम ऐड करेंगे गुलाबरी का गुलाब जल। अब इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल, हमें इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। फेस पैक एकदम रेडी है। एक्चुअली इसको फेस पैक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी मिली हुई है। पिसी हुई चीनी बहुत अच्छा स्क्रब करती है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्क्रब और फेस पैक एक साथ यूज़ करो तो ये बिल्कुल आप ही के लिए है। फेस पैक हमारा हो गया है, इसको 2 मिनट रखना है, पूरा सूखने नहीं देना है। जैसे कि हम हर फेस पैक में आपको बताते हैं कि पूरा सूखना नहीं देना है। दूसरी बात, इसमें है पिसी हुई चीनी, आपको पूरा अगर आप पूरा सूख देने दोगे तो फिर ये जो है आपको जो मैं करवाना चाह रही हूँ आपसे वो होगा नहीं। वो बताऊँगी मैं नेक्स्ट स्टेप पर, बने रहिएगा पूरे वीडियो पर। मेरे तो 2 मिनट हो गए हैं। हाँ, पता है, दिख रहा है कि नहीं सूखा है, तो मैंने कहा था कि इसको सूखने नहीं देना है, अपने हाथों को हल्का सा गीला करना है। ठंड का मौसम चल रहा है, गर्म पानी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने कर लिया है गीला, और इसको अपने चेहरे पर डैब डैब करके सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते जाना है। अराउंड 3 मिनट आपको स्क्रब करना है, इससे ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है। यू नो, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा अच्छाइयाँ चली गई अंदर तो मुल्तानी मिट्टी और दूध की। अब मैं स्पॉन्ज से इसे साफ़ कर लूँगी गर्म पानी से, क्योंकि ठंड बहुत है यार, बहुत ठंड है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इतनी ठंड में वीडियो बना रही हूँ। And see that glow and brightness on my skin। और अब आते हैं अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पे। चूँकि मैंने गर्म पानी यूज़ किया था तो मेरी स्किन जो है ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। तो हमेशा की तरह हम यूज़ करेंगे ये छोटा सा चुटकू सा बजट फ्रेंडली टूल अपने ब्लैक हेड्स के लिए। ब्लैक हेड्स निकालते निकालते मैंने अपनी नाक ही लाल कर दी है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली मैं घूम घाम के आ रही हूँ तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है मेरे फेस पे, तो इससे पता चलता है कि ये कितना वर्क करने वाला है आपकी स्किन पे। अब नेक्स्ट आते हैं मसाज पे। मसाज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम, बहुत ट्रेंड में है इसलिए भी मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। 2 ड्रॉप अब इसको जेंटली मसाज करना है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपनी स्किन पे विटामिन सी को लेकर के। बस इसको तब तक रब करते रहना है जब तक कि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। और एक बात याद रखना, अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ड्राई फील कर सकती है। सीरम के बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ, और इन सारे प्रोसेस में आपको लिप मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सारा प्रोसेस आपको करना है रात में। रात में करके आपको आराम से सो जाना है।
तो दोस्तों ये आज का DIY था, इसको ट्राई करिए। ये हर किसी टाइप के स्किन के साथ जाता है। और एक बात नहीं भूलना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको तो मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा यूज़ करना ही है। साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करना है। हाँ, थोड़ा लाइट मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए, जो निविया के आ गए हैं, थोड़े से लाइट मॉइस्चराइज़र। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियोस तक पहुंचने के लिए मेरे आई बटन पर क्लिक करना नहीं भूलिए। और हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं ट्रैवल भी करती रहती हूँ, मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाने की भी सोच रही हूँ। वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह और रुझान सारे मैं शेयर करती रहती हूँ। आप मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ पहुँचना है, कैसे क्या ट्रैवल करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी।